और एक बार फिर भारत मंडपम से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इंतजार किया जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। कल द्विपक्षीय वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो चुकी है और अब उन्हीं का सबसे ज्यादा इंतजार अखिलेश। बिल्कुल, जो बाइडेन का इंतजार किया जा रहा है। कल की तस्वीरें देखने के बाद हर किसी को उम्मीद है कि आज किसी ठोस मुकाम पर हम पहुंचेंगे, कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जाएंगे जिसका बेसब्री के साथ हर किसी को इंतजार है। लेकिन एक बात आशीष मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा, चूंकि डिफेंस मामलों को आप कवर करते हैं, सर्गेई लावरोव का यहां पहुंचना और रूस के राष्ट्रपति का ना आना, क्या उनकी कमी खलेगी? देखिए, भारत और रूस के बीच में इतनी टाइम टेस्टेड, इतनी गहरी दोस्ती रही है कि दोनों देशों को एक दूसरे के प्रति दोस्ती दिखाने, बताने या जताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर व्लादिमीर पुतिन नहीं आते हैं तो भारत को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। हमें समझ, एक अच्छा दोस्त वो होता है ना जो समझता है। हमें जैसे जहां पर जितनी जरूरत रही है रशिया के साथ दोस्ती निभाने की, भारत ने उससे दो कदम आगे ही निभाई है। लेकिन एक और बात बताऊं, देखिए भारत भी चाहेगा और साथ ही साथ रूस भी ये चाहेगा। व्लादिमीर पुतिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं आ सकते थे, वो भी चाहते थे कि भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी बहुत अच्छे से और सक्सेसफुली करे, और इसीलिए वो भी नहीं आए क्योंकि उनके आने से अमेरिका और बाकी देश नाराज हो जाते हैं। अब आपको तस्वीरें में दिखाई दे रहे हैं जोको विडोडो, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। G20 इससे पहले बाली में हुआ था, इंडोनेशिया में, और जोको विडोडो ने ही, आपको वो तस्वीरें याद होंगी जो बैटन हैंडओवर किया था, जो एक G20 की प्रेसिडेंसी प्रधानमंत्री मोदी को दी थी। और अब ईस्ट एशिया समिट भी इंडोनेशिया की जकार्ता में पिछले हफ्ते ही ये होस्ट करके आ रहे हैं। आपको याद होगा जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ठीक दो दिन पहले गए थे, इंडोनेशिया के जोको विडोडो यहां पर तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी पहुंच गए। दीपक वोरा साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत दीपक वोरा साहब। आज की सुबह हर किसी को इसका इंतजार था, आप कैसे देख रहे हैं इन तस्वीरों को, जरा बताइए अपने अंदाज में। शायद हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बात यहां पर है आशीष, ईस्ट हम लोग कहते हैं ना एक्ट ईस्ट, बार बार बात होती इस पॉलिसी की, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री की रणनीति है एक्ट नॉर्थ, एक्ट वेस्ट, एक्ट वेस्ट, सब कुछ नजर आ रहा है, सिर्फ ईस्ट नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तभी तो वसुधैव कुटुंबकम बनता है। दो अगर हम पिलर देखते हैं, नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट, ये दो स्ट्रांग पिलर्स हैं भारत की विदेश नीति की। और जब हम G20 जैसा इवेंट होस्ट करते हैं तो फिर एक बड़ा लार्जर थीम बनता है वसुधैव कुटुंबकम। तीन सेशंस हैं, इसको आपको दिखाई देगा। पहला सेशन है वन अर्थ, दूसरा सेशन है वन फैमिली, और फिर अगला यानी कि जो कल सेशन होगा उसका नाम होगा वन फ्यूचर। और यही थीम है इस बार, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बिल्कुल, और देखिए फिर से कुछ गाड़ियों का काफिला यहां पर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है भारत मंडपम की तरफ बढ़ता हुआ, कुछ और मेहमान वहां अंदर दाखिल होंगे। रोमाना, कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इंतजार हो रहा है। साथ ही आप जानते हैं कि अभी तक जो सऊदी अरब के मुखिया हैं उनका भी यहां पर पहुंचने का इंतजार हो रहा है। MBS मोहम्मद बिन सलमान, वो भी कुछ देर में यहां पर नजर आएंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो अब से कुछ ही देर में यहां तस्वीरों में आप देख पाएंगे। और जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि इस बार अपनी मेजबानी में ये G20 की अध्यक्षता में भारत की तरफ से जो मंत्र अपनाया गया वो वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है। उस मंत्र के जरिए, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा को आप देख रहे हैं पहुंच गए हैं G20 के इस मंच पर। और ब्राजील ही वो देश है जिसको बेटन यहां नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस G20 के लिए सौंप देंगे, क्योंकि अगला मेजबान देश G20 का ब्राजील ही है। 18वीं G20 समिट जो नई दिल्ली में हो रही है और इसके बाद अगली समिट ब्राजील में होनी है। तो इससे पहले आपने इंडोनेशिया के प्रमुख को देखा था जोको विडोडो, पिछली बार G20 की मेजबानी इंडोनेशिया की तरफ से की गई, भारत जो इस बार अध्यक्षता कर रहा है और इस क्रम में अगला वो देश जिसको अध्यक्षता करनी है G20 की वो ब्राजील है, और उसी के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को इस वक्त आप देख रहे हैं भारत मंडपम में पहुंच गए हैं। हम सीधे रुख करते हैं खास मेहमान दीपक वोरा सर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों को, कूटनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। और आज जब विश्वोत्सव मनाया जा रहा है, ये मंच कूटनीति के कुंभ का नई दिल्ली में सजा हुआ है, सबसे पहला भाव आपके मन में क्या आ रहा है सर?
आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बाकी विशेषज्ञ जो आपके साथ है। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूँ, यहाँ पर रात के पौने एक, सुबह के पौने एक बजे हैं, बाहर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। मौसम समाचार समाप्त करने के बाद बताऊं कि मेरा दिल इस समय इतना फूल जाता है खुशी से देखकर, क्योंकि भविष्य जो है मैम, भविष्य का निर्माण भारत मंडपम में हो रहा है। द फ्यूचर इज बीइंग डिसाइडेड। आज नई दिल्ली दुनिया की राजधानी है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि जब वो बाकी ग्लोबल लीडर्स से मिलते हैं। बात ये कि ये जो भविष्य का निर्माण हो रहा है यहाँ नई दिल्ली भारत मंडपम से, जेके त्रिपाठी सर, ये जो भविष्य है वो एक परिवार और एक पृथ्वी के तौर पर दुनिया को एक साथ लेकर चलने वाला भविष्य है, जिसकी तरफ नई दिल्ली में बैठकर मंथन और मोहर लगेगी। त्रिपाठी सर, बेकार के प्रतिबंध नहीं लगेंगे, जहां उनको विश्व बैंक से या आईएमएफ से लोन लेने पर तरह तरह की प्रतिरोधकारी शर्तों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जहां डिजिटल इकोनॉमी पे एक्सेस होगा वहां ऐसा है, जहां हेल्थ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।